हाँ, मेरे को पढ़ाई के लिए टाइम मिला था मोदी जी और रमेश बिजू जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को पढ़ाई में बहुत सहायता मिली उससे, थैंक यू सो मच। जोरदार का स्वागत करेंगे। बनेगी क्यों नहीं बनेगी मोदी सरकार, जब वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो मोदी सरकार को हम लेके नहीं आ सकते? लेके आएंगे, पूरी कोशिश है मोदी सरकार के लिए, रात भर दिन एक कर देंगे मोदी सरकार के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करेंगे आपका सभी का। और आज देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत यहाँ पर जो प्रोग्राम किया गया था दोस्तों, बताना चाहेंगे कि मोदी सरकार के 9 साल देवीशाल और इसको प्रस्तुति करते हुए रमेश तिजोरी जो कि सांसद दक्षिण दिल्ली की ओर से, यहाँ पर तमाम सारे लोग जो कि लाभार्थी योजना को आप जानते हैं, तमाम प्रकार के लाभार्थी योजना बीच बीच में मोदी सरकार के माध्यम से दिए गए, इस कड़ी में चाहे रेडी पटरी वालों को लोन के माध्यम से उनके व्यापार को आगे बढ़ाना हो, चाहे स्कॉलरशिप योजनाएं हो, इत्यादि इत्यादि ना जाने कितने सारे स्कीम जो है समय समय पर जनता को दी गई है, और इन स्कीमों को फायदा लेने वाले जितने भी व्यक्तित्व हैं वो सभी यहाँ पर आए थे। और प्रोग्राम के बाद रमेश बिजूड़ी जी से भी हमने बात की है, आइए सुनाते हैं रमेश बिजूड़ी जी विषय को लेकर क्या कुछ कहते हैं। सम्मेलन में कितने लोगों को जागरूक किया गया है और आगे की भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान चल रहा है। जनसंपर्क अभियान की श्रेणी में आज देवली विधानसभा के लाभार्थी सम्मेलन, जिन लोगों ने मोदी साहब की योजना है जो 2014 में बनी उसके पहले देश में नहीं थी, थी तो लेकिन वो गरीबों तक व्यवस्था नहीं पहुंच रही, ऐसी योजनाएं जिनसे जनधन खाते में लोगों ने लाभ उठाया है, खुलवाकर उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन गरीबों को मिले हैं, शौचालय बनाने का काम हुआ है, मुद्रा बैंक से नौजवानों को लोन मुद्रा बैंक से उनका काम आगे बढ़ाने के लिए, रेहड़ी पटरी वाले पर गुजारा करने वाले लोगों को 10,000 लोन देने का काम हुआ है, गरीब के बच्चों विधवा के बच्चों को हमने छात्रवृत्ति देने का जो काम किया है, इसी प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों के CSR फंड के माध्यम से टैबलेट देने का काम हुआ है, गरीब लोगों को विकलांग जो दिव्यांग मजदूर है ऐसे उन लोगों को सहायक उपकरण, किसी को कम सुनाई देता है, किसी का पैर एक्सीडेंट के कारण, हाथ एक्सीडेंट के कारण अनबन हो गया, ऐसे लोगों की मदद करने का काम हुआ है। तो जो मोदी सरकार के कोरोना के दौरान ऐसा 80 लाख लोग दिल्ली को तलाश दे रहे हैं, उन लोगों को वो लाभ मिला है, फ्री में वैक्सीन लोगों को गरीब लोगों को लगाने का काम हुआ है, तो ये सब काम जो वैक्सीन वगैरह लगाकर हुआ है तो गरीब ऐसे नहीं देने पड़े, ऐसे लाभार्थी जो आवश्यकता थी जो जरूरत थी उन लाभार्थियों को इकट्ठा करके उनका सम्मेलन करके जो और भी लोगों को बताएं और उसके बारे में मोदी जी को अपना आशीर्वाद दें। सुरेंद्र पाल और मैं सुरेंद्र जी क्या कहेंगे, आपको कब से मिला ये? मेरे को अभी जो छतरपुर में कैंप लगाया गया था उस वहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल मिली है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सांसद जी श्री रमेश बिजूड़ी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गरीबों के लिए और दिव्यांगों के लिए। और मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दिव्यांगों का जो हक है उनको प्लीज एक बार आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो दुकानें कांग्रेस के टाइम पर बंद कर दी गई हैं वो दुकानें दोबारा चालू करी जाए विकलांगों की मदद के लिए, क्योंकि विकलांग बहुत परेशान है। जैसे कि मैं आपको दिख रहा हूँ, विकलांग हूँ मैं, मेरे को परिवार पालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, तो मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे पुलिस वाले भी बहुत परेशान करते हैं, MCD वाले ज़्यादातर बहुत परेशान करते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा हमारे सांसद श्री रमेश बिजूड़ी जी से भी और जो प्रधानमंत्री हमारे देश जी के श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सिर्फ एक ये काम जरूर कीजिए, दिव्यांगों का जितना भी हक है उनको हक दिलवाइए, क्योंकि जितनी भी NGO हैं जितने भी फाउंडेशन है ये सब उनके साथ शोषण कर रहे हैं, उनको इतना फंड मिलता है, या तो ये NGO सारी बंद कर दी जाए या फिर गरीबों को और विकलांगों को विधवाओं को उनका हक दिया जाए। जय हिंद जय भारत, नमस्कार। और आगे चलते हैं, आगे अनेकों जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं इस कड़ी में, महामंत्री बलबीर जी हैं, मंडल अध्यक्ष प्रीतम श्रीवास जी हैं, सभी से हम थोड़े थोड़े बात करेंगे। बलबीर जी हमारे साथ मौजूद है, महामंत्री हैं, इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज भी किए थे, और तमाम सारे जो लीडर है खासकर देवली विधानसभा से श्रीवास जी भी है। क्या कहेंगे बलबीर जी आज कार्यक्रम, और लाभार्थी योजना तो अनेकों है और लगातार आप साल भर देखिए, आज यहाँ पे उन्ही लोगों को बुलाया गया था जिन्होंने पास्ट में इस प्रकार के कोई ना कोई लाभ केंद्र सरकार की ओर से सांसद जी के प्रयास से जो लोग मिले हैं उन्हीं लाभार्थियों का आज ये सम्मेलन था। उनको बताया गया था कि किस प्रकार मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में क्या क्या कार्य किए हैं, और इसी को लेके यहाँ की जनता तो वैसे ही अपने संगम विहार की ज्यादातर यहाँ पे जनता थी, और उनको यही संदेश दिया कि मोदी सरकार सिर्फ गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार है और आने वाले समय में भी गरीबों का ही विशेष ध्यान रखा जाएगा। जब तक गरीब
गरीबी को खत्म नहीं किया जाएगा। कांग्रेस तो पिछले 60-70 सालों से नारे देती रही गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, अगर गरीबी हटाने का काम किसी ने एक्चुअल रूप में ग्राउंड पे काम किया तो पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने दिया है। देख रहे हैं आपने, देश ने तरक्की की है, पहले देश 10वें स्थान पे होता था, आज विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत 5वें स्थान पे है, हमारे से आगे सिर्फ 4 देश रह गए हैं। तो अगर देश का विकास ग्रास रूट लेवल पे होगा तभी गरीबी दूर होगी। लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं हैं तो उनको उनका फायदा मिलेगा, तो गरीब अपने आप सशक्त होगा, सशक्त होगा तो गरीब जब अपना काम धंधा करने लगेगा तो देश अपने आप विकास की गति पे तेजी से चल पड़ेगा। शिवराज जी, आप मंडल अध्यक्ष हैं, आपके मंडल में काफी अच्छा काम हो रहा है रमेश भितुड़ी और इनके जो प्रधानमंत्री के लाभार्थी योजना है, काफी लोगों को लाभान्वित आपने किया है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, हम तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस करवट से काम कर रही है, जो कार्यकर्ता उनके लिए काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा आज 200 से 250 लोगों की संख्या थी यहाँ पर, कार्यकर्ता नहीं थे, ये सारे जो पास्ट में लाभार्थी जिन्होंने लाभ उठाए हैं ये वो थे, चाहे वो रेडी पटरी वाले हो, चाहे वो टैबलेट मिले हो, चाहे पोषण अभियान हो, चाहे उनको फ्री में टीका लगा हो, तमाम प्रकार की जो योजना है जो मोदी सरकार की उस योजनाओं से वो यहाँ पर आए थे और आज वो काफी खुश थे और उन्होंने ये आश्वासन भी दिखाया है कि आने वाले टाइम में जो ये भ्रष्ट सरकार है इसको हटाएंगे और मोदी सरकार दोबारा लेके आएंगे। कृष्णा जी हैं, वरिष्ठ हैं, कृष्णा जी सही में दोबारा से आ रहे हैं, मोदी सरकार आ रही है? बिल्कुल आ रहे हैं जी, महिलाएं सब चाहती हैं कि मोदी जी दोबारा आए और महिलाओं को मोदी जी काफी लाभ देते हैं। अभी महिलाओं को केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं कि बस फ्री करने से कुछ नहीं होगा, महिलाओं को तो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मोदी जी ने मुद्रा योजना इतना अच्छा लाया कि घर मुद्रा योजना के तहत काफी महिलाओं को अपना रोजगार खोलने का मौका मिला है और वो सभी महिलाएं आई थी और वो बहुत खुश थी कि आगे मोदी जी आए और ऐसे ही महिलाओं को उत्साह बढ़ता रहे, आकार व आगे बढ़ता रहे। और जब महिला चाहती है तो उसको कोई आने से रोक नहीं सकता, क्योंकि जब घर में महिला की चलती है आपको पता ही है, तो महिला शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है और महिला शक्ति ये चाहती है कि मोदी जी आए और ऐसे ही महिलाओं का विकास होता रहे। महिलाओं के बारे में मोदी जी एक ऐसे हैं कि जो ऐसी सोच रखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने ही एक ऐसा मुद्दा उठाया था कि भाई महिलाओं के इतने बलात्कार होते थे कि सबसे पहले कि भाई सोच का प्रॉब्लम था कि भाई खुले में सोच करना, और ये एक मोदी जी का ही सोच थी कि उन्होंने शौचालय बनवाए और घर घर शौचालय बनवाए और इसी प्रकार महिलाओं का को उम्मीद है कि मोदी जी आगे भी आएंगे और आएंगे, जरूर आएंगे, तो इसीलिए महिलाओं का पूरा सहयोग मोदी जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा भी हैं सौरभ कुड़िया, सौरभ जितने सारे लाभार्थी योजनाएं हैं और क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में जनता इस पे खुश होगी और वोट आएगा दोबारा से? देखिए, मोदी शासन के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आज लाभार्थी सम्मेलन देवली विधानसभा में करा गया, जिसमें हमारे माननीय सांसद श्री रमेश भितुड़ी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और हमारे देवली विधानसभा के जो वरिष्ठ नेता है गण माननीय बल्ली दादाजी और प्रीतम शिवाजी, इनकी अध्यक्षता में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ और लाभार्थी सम्मेलन हुआ। जितनी भी महिलाएं थी लाभार्थी, जैसे कि विधवा जो बहने थी उनके बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से हुआ हो, चाहे मोदी जी के द्वारा टीका लगना हुआ हो, चाहे उनको बच्चों के लिए न्यूट्रिशन पोषण अभियान हो, चाहे हमारे लिए मुद्रा लोन की बात करें, चाहे हम रेडी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना की बात करें, मतलब या बच्चों के लिए सुकन्या योजना हो, तो मोदी जी ने इतनी सारी योजनाएं चलाई थी। आज हमारे बीच में महिलाओं के द्वारा और लाभार्थी लोगों के बीच में एक रमेश भितुड़ी जी और लाभार्थी महिलाओं का वार्तालाप हुआ, जिससे उनको पता चला कि मोदी जी के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन लोगों को नहीं पता था, आज उन लोगों को पता भी चल चुका है। और हमारे माननीय रमेश भितुड़ी जी ने लाभार्थी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और उन्होंने बोला कि अगर आगे भी कोई भी समस्या आती है आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, बल्ली जी से, प्रीतम जी से, आपकी कोई भी योजना कोई भी काम आपके पीछे नहीं हटेगा, मैं उनके लिए तत्पर हूँ। और मैं माननीय सांसद रमेश भितुड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ऐसी अनेकों योजनाएं देवली विधानसभा में समय समय पर करवाते रहते हैं। मैं उनका और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बबलू भाई हमारे जनता जनार्दन चैनल के माध्यम से हम लोगों को प्रसारित समय समय पर करते रहते हैं। आपका और आपके पूरे चैनल का मैं बहुत बहुत दिल से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वोटिंग में तो बिल्कुल ये फायदा करेगा, सबसे बड़ी बात है कि हम अपना फायदा या नुकसान नहीं देख रहे। मोदी जी जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो गरीबों के हित के लिए काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अरे उसको ऊपर रखा जा रहा है। और जो लाभार्थी सम्मेलन है हमारे यहाँ पे दक्षिणी दिल्ली के जो लोकसभा के ये
श्री भाई रमेश भिदोड़ी जी हैं, वो समय समय पे जनता के बीच में आते रहते हैं और उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं, जैसे एक वर्ष एक मतलब 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए पोषण अभियान, सुकन्या योजना और कुछ महिलाओं के लिए जैसे बच्चे जिनके पिता नहीं सिर्फ है उनको 11,000-5,000 रुपये जो उन्होंने राशि दी है, और महिलाओं को जो सिलेंडर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कारोबार के लिए यहाँ पे जो गरीब लोग गरीब तबके के लोग रहते हैं रेड़ी पटरी वाले, उनके लिए जो मोदी जी ने 10,000 का लोन जो करवाया, 10,000 से 11-25 लाख तक का लोन, 10 लाख तक का लोन जो करवाया, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद की रेड़ी पटरी वालों को मिल रहा है कि उन लोगों को जैसे किसी से कर्जा लेना, वो कर्जा लेने के लिए नहीं अपना कारोबार बढ़ाने के लिए आगे मिल रहे हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि मोदी जी के द्वारा हम लोग क्षेत्र में जो कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और हमारे जो सांसद जी हैं हमारे बीच में आए और उन योजना को अवगत कराते रहें और गरीब जनता को यहाँ पर लाभ मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं लाभार्थी योजना के तहत अभी एक और बड़ा काम है जो कि कैब, यानी कि पढ़ाई लिखाई में जो विद्यार्थी होते हैं दोस्तों, कैब अगर मिल जाए तो कहीं ना कहीं उनको आसानी होती होगी। इस कड़ी में 3 छोटे-छोटे लड़कियां जो है वो हमें मिली हैं जो कह रहे हैं कि हमें कैब मिला है। तो क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया, आपको टाइम मिला है? जी हाँ, मेरे को पढ़ाई के लिए टाइम मिला था, मोदी जी और अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को पढ़ाई में बहुत सहायता मिली उससे, थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ? कृतिका। आपको क्या मिला है? जी टाइम मिला है, एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेस की वजह से परेशानियाँ होती थी। धन्यवाद देना चाहूँगा और मोदी जी को। पूजा, तुम्हें भी टाइम मिला? हाँ जी। क्या बोलना चाहोगे? अच्छा लग रहा है। हाँ जी, मोदी जी को और रमेश भिदोड़ी जी को। हेमलता, हेमलता जी आपको क्या मिला? गैस सिलेंडर मिल रखा है हमें, हम पहले बहुत परेशान थे, चूल्हे पे बना बना खाते थे, जब मोदी की स्कीम आई मोदी सरकार की, जब हमें गैस मिला था उससे हमें छुटकारा मिला चूल्हे से, क्यों बीमार हो गई थी मैं, लीवर में परेशानी हो गई थी, धुआंधार से हो जाती है परेशानी, शरीर में टीवी भी हो गई थी मुझे धुआं से, जब से गैस चूल्हा मिला है हमें जब से बहुत सुविधा हो गई, अब चूल्हे से परेशान। धन्यवाद देना मोदी सरकार को और जो भिदोड़ी जी हैं उनको देना चाहते हैं हम, और मनेगी क्यों नहीं मनेगी मोदी सरकार, जब वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो मोदी सरकार को हम लेके नहीं आ सकते? लेके आएंगे, पूरी कोशिश है मोदी सरकार के लिए, रात और दिन एक कर देंगे मोदी सरकार के लिए। और क्या कुछ बोलना चाहेंगे? और भी जो लाभार्थी है इस आपके मंडल में तो काफी लोगों को मिला है? हाँ बहुत लोगों को मिला है, मैंने तो 7 जनों को दिलवाया है, 7 जनों को दिलवाया है, 3 बेटियों को दिलवाई, उस दिन उस बेटी का बरात थी, उस दिन उस बेटी को दिलवाया मैंने, जो उसके घर वाले बड़ा खुश हुए, भाई हमारी बेटी, हमारे घर में कुछ भी नहीं था, चलो गैस सिलेंडर दिया हमने हमारी बेटी को, और एक थी बहुत ही उसको दिलवाया, वो भी चूल्हे पे खाना बनाती थी बेचारी, उसको भी दिलवाया मैंने, 6-7 जनों को दिलवाया, बहुत काम करवाया। धन्यवाद। छगनलाल जी है, जवाहरलाल जी ये पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से महिलाओं को, लोगों को, वोटर्स को, आम जनता को फायदा मिल रही है, सरकार बनने की जहाँ तक बात है, मोदी सरकार की जहाँ तक बात है, चुनाव की बात है, क्या समझते हैं? मोदी जी तीसरी बार भारी बहुमत के साथ जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी जो काम कर रहे हैं हर घर पे फायदा जा रहा है, जो महिलाओं को गैस की समस्या थी हर घर में, जो महिलाओं के पास गैस कनेक्शन नहीं थे सबको गैस दिलाए गए हैं, और जो विधवा लेडीज है जिनके बच्चे पढ़ रहे थे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, ऐसे बच्चों को हमारे सांसद साहब श्री रमेश भिदोड़ी जी ने 11,000 रुपए दिलाए थे, तो उनका काम चला था, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको टैबलेट दिलाए जा रहे हैं, और जो भी एक चल रहा है पोषण अभियान, जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनको एक डाइट दी जाती है, 0 से 6 साल के बच्चों का चल रहा है, और एक चल रहा है मुद्रा लोन वाला चल रहा है, एक रेडी पटरी का 10,000 का चल रहा है लोन, ये हमारे यहाँ जो लोकल गरीब आदमी है उनको सबको बढ़ चढ़ के हम सहायता प्रदान कर रहे हैं, हमारी मोदी सरकार, रमेश भिदोड़ी जी हमारे दिन रात लगे रहते हैं, मैं रमेश भिदोड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, और हमारे विधानसभा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बल्ली बाबा सबका धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम।
फिर भी आप लोगों को कौन कौन सी योजना के तहत फायदा मिला है? उज्ज्वला योजना है और गैस कनेक्शन बहुत सारी लेडीजों को दिलाए हैं, और जैसे विधवान को जो 11,000 रुपए के चेक है, बहुत सारी महिला परेशान रहती थी, बच्चों को सहायता मिलती थी उनके लिए, तो उनके लिए सहायता लिया है, तो वो बहुत शुक्र गुजार है रमेश भदुड़ी जी का और प्रधानमंत्री को, और जिन्होंने सहायता दिलाई उनको भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। और टैब भी मिला है जो उनको पढ़ाई के लिए बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर मिला और देश का नाम रोशन हो सका और युवा शक्ति हमारी आगे बढ़ सके, उसके लिए धन्यवाद मोदी जी का और रमेश भदुड़ी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।